हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो EMRS का पेपर हुआ था, JSA का, EMRS JSA का जो पेपर हुआ 17 दिसंबर को, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों इसमें, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखिए, तो 17 दिसंबर की हमने फुल आंसर की जो है वहाँ पर बना दी है मैंने, लगभग, है ना, लगभग मैंने 100 के आसपास जो क्वेश्चन है उसके सही सही आंसर आपको देने की कोशिश करी है। तो इससे एक आप आइडिया लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, और जो हमने कंप्यूटर आपको कराया था भाई, 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सीधे हमारी वीडियो से उठ के आए। जिसने पढ़ा हुआ वो कमेंट में लिख देगा कि हाँ आपकी वीडियो से आए। टेलीग्राम पर आपको मैंने मैसेज दिखा दी, कितने भर भर के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कट ऑफ के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक सर्वे किया हुआ है कट ऑफ के लिए। आप मेरे द एग्जाम हेल्पर चैनल पर जाना, यहाँ यहाँ पर कम्युनिटी टैब मिलेगा, कम्युनिटी टैब, इसमें देखिए, ये मैंने एक पोल कंडक्ट करा रखा है कि कैसा रहा आपका एग्जाम, शेयर और अटैम्प्ट, ठीक है, ये हमारे JSA वाला। तो यहाँ पर किस रेंज में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं वो एक बार चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी 1.2 के वोट से इसको कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये लेके जाइएगा, जिससे एक डाटा हमें मिल पाएगा, एक एग्जैक्ट डाटा, जिससे हम आपका कट ऑफ का अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार जो है आप जाके यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर जाकर इसमें इस तरीके से देखिए, आपको पहले वीडियो खुलेगा, यहाँ पर पहले होम खुलेगा ना, एक सेकंड रुके, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से वीडियो खुलेगा, यहाँ इस सेक्शन में आके कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको जो है कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर मैंने ये पेपर वगैरह डाल के रखा, अगर आपको नहीं मिला, मैं भी जो आंसर की बना बना बनाकर मैंने इसे सेव कर लिया पूरा नोट है इसमें, तो ये भी मैं आपको अभी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसको कर लेते हैं। बाकी प्रेजेंट की बात करें दोस्तों, आपके एग्जाम में जो प्रेजेंट्स देखने को मिली है वो तो 50% से भी नीचे हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो हो सकता है इसकी वजह से कट ऑफ का थोड़ा इम्पैक्ट पड़े। बाकी पेपर की अगर लेवल की बात करें, पेपर का लेवल, सिर्फ आपको जो पेपर का लेवल देखने को मिला है वो GK में देखने को मिला है ना, GK में। वैसे जहाँ तक इसको भी नहीं बोलेंगे, लगभग उसने 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे डाले हैं, मतलब 50% जो है GK अच्छे डाली, 50% उसने लगभग मॉडरेट रखने की कोशिश की, ठीक है। बाकी मैथ्स ईजी है ना, मैथ्स ईजी है बिल्कुल। और रीजनिंग, जो भी बैंकिंग पैटर्न की तैयारी कर रहा है उसके लिए हलवा भी हलवा, 10 मिनट में वो इजीली 20 क्वेश्चन उड़ा देगा, ठीक है। मैंने तो हाल उड़ा दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बैंकिंग की, बैंकिंग और SSC दोनों की प्रेपरेशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मैथ्स की बात कर लें, सारे सेक्शन ये ईजी था, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, ईजी था, है ना। GK यहाँ पर थोड़ा सा आप हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर तो बिल्कुल ही हलवा था, हिंदी बिल्कुल ही हलवा थी, इंग्लिश ठीक ठाक बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है ना। चलिए, तो ये रहा 600 सेक्शन का आपका ओवरऑल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करें, तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने के लगा दिया, किस तरीके से लगाया तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। 6 मित्र बोल रहा है, वो उत्तर की ओर बैठे हैं, ठीक है। तो इनका मुख उत्तर की ओर है, ये 6 लोग बैठे हैं, ये GK बाई तरफ दूसरा, तो GK बाई तरफ दूसरा ए है ना, GK बाई तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2, ये मैंने गलत बना दिया, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको दोबारा आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। चलिए लीजिए, यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो बोला ए GK बाई तरफ दूसरा, तो अगर G यहाँ पर है, GK बाई तरफ दूसरा, 1 2 ए आ गया। फिर बोला है और G कोमा KK दाई तरफ चौथा, KK दाई तरफ चौथे स्थान पर G, तो भाई 1 2 3 4, तो KK दाई तरफ चौथा हो गया G। फिर बोला है बी कोमा जी के ठीक दाएं बैठा, जी के ठीक दाएं कौन बैठा, बी, तो कितने लोग हुए, 2 4 6 लोग बैठ गए। पूछ रहा है सबसे बाई तरफ कौन है, तब भी आपका आंसर के ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो के आपका आंसर आ गया इस तरीके से। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा था कि निम्न आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और अलग अलग खड्डों में दी गई संख्या अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। यहाँ बोला कम से कम 2 भाषाएं बोलने वाले, देखिए यहाँ बोला उसने कम से कम 2, बट हम इसमें 3 भाषा बोलने वाले को भी इंक्लूड करते हैं, ये इसका नियम है। तो देखिए 2 भाषा कौन सी, एक तो 9 5 और 8, तो 9 8 17 5 22, 22 और 3 25, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये एक कथन है। बोला इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल, ये भी बात सही है, तो दोनों ही बात क्या है, सही है, ठीक है। अगला है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बिल्कुल, 26 जनवरी 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था, नहीं हुआ था, तो सत्य है ये, पर लेकिन आ रहा सत्य है, ठीक है। चलिए, ये इसकी जो जो आप सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, किट्टू किट्टू इसका आंसर होगा, किट्टू टॉप पर बैठा है, ठीक है। सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, सॉल्व करके ही मैंने ये चीज़ें की, ठीक है। चलिए,
अब इसमें पूछा ब्यूटीफुल का कोड कौन सा है, किस स्टडी, डाटा सफिशियंसी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, डाटा सफिशियंसी, ये बैंक पैटर्न में आता, ठीक है। बोला है कि ब्यूटीफुल आपका आंसर किससे निकालोगे, ना तो आप इससे निकाल पाओगे ना इससे, इसके लिए दोनों को कंबाइंड करोगे तब जाके आपका आंसर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, इसमें ब्यूटीफुल इसमें ब्यूटीफुल, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो टीए, तो दोनों में टीए कॉमन आ गया, लेकिन बाकी कॉमन नहीं हुआ, तो टीए इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा, एक से नहीं निकलेगा वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि चेतन का रैंक ऊपर से 19वीं और अंतिम से 12वीं है, कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या बतानी, तो टोटल अपन निकालते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस वन, तो देखिए इसका ऊपर से दे रखा है नीचे से दे रखा है, माइनस वन करेंगे तो 30 आंसर निकल जाएगा, पर 11 छात्रों का चेतन रैंक से कम है तो इससे तो नहीं निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, भारतीय युवाओं के बीच आईपीएल काफी लोकप्रिय है, भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को आईपीएल पसंद है, भाई वरिष्ठ की कहाँ बात की जा रही है, इसमें बात तो भारतीय युवाओं की जा रही है, तो गलत हो गया। दूसरे में बोल रहा है कि सभी सभी लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया कि सभी भारतीयों को आईपीएल मैच देखना पसंद करते हैं, भाई सभी में तो मैं भी आ गया, आप भी आ गए, मतलब जितने भारत में जो है युवा हैं वो सभी मैच देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ ही लोग देखते हैं, 50-60% देखते हैं, पूरे तो नहीं देखते रहे, तो सभी की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया, तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, ना तो एक ना तो दो, ठीक है, ओके। ये सप्ताह में 6 दिन वाला था, संडे मंडे से स्टार्ट करके भी बनाया, और इसने पूछा देवेश किस दिन खेलता है, तो देवेश ये सैटरडे को खेलता है, ठीक है। चलिए ये इनक्वालिटी है, तो टी से हमें जी जाना है, तो टी से मैं क्यू चला जाऊंगा, क्यू से मैं यहाँ जी आ जाऊंगा, ठीक है, बोले डब्ल्यू से एल जाना है, पर इक्वल टू साथ में छोड़नी चाहिए, तो डब्ल्यू से मैं टी आ गया, टी से जैसे ही क्यू गया ना, और क्यू से एल भी आ गया, बट यहाँ के वो इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, अगर यहाँ पर इक्वल टू होता ये वाला तो हम सेलेक्ट है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 6 लोग बैठे थे बाहर की ओर देखते हुए, तो ये हमने निकाला, बोला डेविड और विनय के बीच डेविड के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर, तो डेविड जेरा दाएं तरफ दूसरा ये होगा, तो यानी कि ये और ये दूसरा नंबर, ठीक है, एक नंबर दो नंबर, तो कपिल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से आगे बी से एम जाना है, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ रही, तो बी से डब्ल्यू गया मैं, डब्ल्यू से एम जा रहा तो इक्वल टू साथ छोड़ दिया, तो डी से एम जाना है अगर मुझे, तो डी से मैं बी चला गया, बी से मैं डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू से एम आ गया, और आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये इनक्वालिटी है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा था वो कि आपको क्या नहीं चाहिए, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 70% मार्क हासिल किए लेकिन गणित में नहीं हुआ, तो गणित वाले ये पोर्शन हटा देंगे अपन पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा हटा देंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा हटा देंगे अपन इस तरीके से, और इसमें कौन सा बचेगा फिर अपना, केवल देखिए 12 बचेगा, बट ये 12 तो रसायन है, पर हमको दोनों चाहिए, तो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलिए दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है अपना, 4, ठीक, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, ये टिक कर लेंगे। चलिए अगला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, मैंने इसका ये पूरा सॉल्यूशन करा के दे दिया आपको, ठीक, आप इसका आंसर चला मिला लेना, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं अभी रात में आपके लिए कितने 12:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा पेपर सॉल्व किया आपके लिए, ठीक है, थोड़ी तबीयत भी खराब थी, टेबलेट खा के सही हुआ तब पैर रखिए, ठीक है, ये है, और ये हो गया आपका, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अर्पित ने ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन जो मैंने बताई, 13 आंसर निकाला है, ये इसकी है, ठीक है, ये मैंने एरो कर रखा है, ये इसकी है ना, और इसका सॉल्यूशन इसके सामने लिखा है, ब्लड रिलेशन का, ओके। चलिए आंसर ये येलो से है, वो आंसर है, ये सूर्य वाला ये है कि राघव के इधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ में आंसर आएगा, ये सीरीज का मैं ये मैंने बता दिया 16-69 का, किस तरीके से 13 × 26 + 1 27 + 81 + 2 83 × 4 = 332 + 3 और × 5 + 4 हो जाएगा, × 5 + 4, ठीक है। चलिए ये वाला भी देखिए इस तरीके से होगा ये, है ना, और ये कौन सा आपका स्लॉक्स वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये मैंने पूरा मैथ्स भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है कि किस तरीके से, है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन ट्रेन होता है, तो स्पीड 72 है, हम इसको ले आएंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 × 18 करेंगे, 350 उसकी डिस्टेंस है मीटर, ट्रेन की लंबाई पी हमें निकालना है, तो इस तरीके से निकाल देंगे तो 1150 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए ये दो दालों को मिलाएंगे, तो ये एलिगेशन विधि से लगा कि मैंने आपको 120 आंसर दे दिया, ये 66 कैसे आया, तो 6 वैल्यूज़ है अपनी, ठीक है, 6 वैल्यूज़ है ना, 66 औसत है, 6 वैल्यूज़ है, तो 1, 2, 3 इधर होंगी, 1, 2, 3, 66 के बाद वाली होगी 67 और इधर वाली होगी 65, ठीक है, ये तो एवरेज था, इसको नहीं करेंगे। अब देखिए 67 के बाद 69, 71 है ना, और यहाँ पर 63, 61, इन दोनों का एवरेज पूछा था आपसे, तो बस जोड़ देंगे 6, 7, 13, 132, 2 से डिवाइड लगा देंगे, 2 × 12, 2 × 12, 66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका एवरेज स्पीड वाला टाइम है, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये मैंने निकाल के आपको यहाँ पर दिखा दिया,
ठीक है। अगला था कि राकेश ने अंबुज से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, ये मैंने पूरा उसका रेशियो बना लिया तीनों का और फिर यहाँ से 25% आंसर निकल आया। ये इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड देना। ये वाले कैसे थे, ऑप्शन से उड़ाने वाले थे कि डायरेक्ट डिवाइड दे के देख लो ना, टाइम बहुत था है ना। ये भी ऑप्शन से कि इसका वैल्यू निकाल लिया अपन ने 0.42, इसकी निकाल ली 0.88, किसके इसके बीच कौन आ रहा है तो 0.44 आ रहा है, तो बस आंसर हो गया अपना ये नंबर है ना। ये लैपटॉप वाला करवा के देखो, देखो ये बोला है सीमा ने एक लैपटॉप को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। ये बोला है मान के चलो सीपी हमने मान लिया 100 था, ठीक है, सीपी 100 था, इसने 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो कितना हो जाएगा 15% प्रॉफिट, यानी कि सॉरी यहाँ यहाँ करेंगे इस तरीके में, इसने 15% प्रॉफिट पर बेचा यानी कि 115 बेचा होगा, ठीक है। वो बोला कि यदि इसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% अगर कम में खरीदे तो -10% करेंगे यानी कि 90 में खरीदा होता, और 2100 रुपये कम में बेच दिया होगा तो इसे 20% लाभ होता, यानी 90 में खरीद के इस पर 20% लाभ कमा रहा हो, तो +20%, 20% 90 के तो 18 यानी कि 108, तो 108, तो यहाँ बोला कि 10% कम में खरीदा होता तो 2100 रुपये कम बेच दिया होता तो उसे 20% लाभ होता, 20% लाभ हो गया। अब बोला कि कितने कम में बेचा था 2100, बट यहाँ कम कितना हो रहा है देखना, यार कितना कम हो रहा है, 7 कम, बट 7 नहीं हो रहा एक्चुअल में, कितना कम हुआ 2100, तो 2107 कितना गुना, 300 गुना, तो बस है ना यहाँ 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है इस तरीके से। ओके चलिए, ये आपका पूछ रहा था तालिका बनी हुई है, इसमें क्वेश्चन पूछा 2019 से 21, 19 20 21 से 12वीं परीक्षा बोर्ड में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या किस स्कूल में सबसे अधिक है, तो तीनों का इन तीनों का टोटल लेंगे, इन तीनों का इन तीनों का कौन में अधिक है तो डी में सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए ये अपना एक राशि में साधारण व्यास, ये है ना 2% अधिक होती तो 27, कुछ नहीं है, 2% अधिक होती तो 27 रुपये अधिक होता, तो 2% बराबर 27, 1% की वैल्यू 27/2 100 निकालेंगे तो इसको 50, और 50 का 27 में करेंगे 1350, आंसर खत्म है ना, कुछ नहीं है ना। ये बोला 2484 2 वर्ष से चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2900 आती है, तो 2 वर्ष में मैंने एक अनुमान लगा लिया कि कितनी होगी, तो मैंने जैसे 2400 लिखा 10 10% जैसी बढ़ाई थी, 240 240 प्लस यहाँ से 10% 24, तो 504 हो गया, यानी कि ये मैं सही चाह रहा हूँ, तो 10% से लगाई, फिर 2400 का 10% से 2 साल के लिए 20% हो गया, ये बोला समान ब्याज दर पर समान उस पर, तो बस 480 आंसर आ गया है ना। चलिए ये पूरा सॉल्व कर रखा है देखिए, ये वाला है ना एज वाला, ये पति ये पत्नी ये बच्चे, टोटल 72 84 हो गए टोटल, क्योंकि ये अगर वैसे 72 है 4 साल पहले, 4 साल प्रेजेंट में लाएंगे तो 4 इसकी 4 इसकी 4 इसकी प्लस 12 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, फिर पत्नी और बच्चे की कितनी हो रही है 38 38 हो रही है, प्लस इसमें 5 5 2 10 जोड़ देंगे तो 48, दोनों घटा के 36 आंसर आ जाएगा, 36 ईयर, ठीक है। ये वैध मतों वाला 20% अवैध हो गए, तो कितने बचे भाई, अवैध 2000 गए तो 8000 बचे, 8000 का 55% मिला, 55% कितना हो जाएगा 4400, ठीक है। ये एवरेज वाला क्वेश्चन है इस तरीके से, 12 लोग थे, 8 एवरेज था, 96 हो रहा है, 12 में 3 और जुड़ गए 15 हो गए, 15 का 9 हो रहा है 135, 135 जैसे घटाएंगे तो 39 निकल गया, अब उनका उनका भी एवरेज निकालना, तो 3 लोग थे वो नए नए कितने आए थे, 3 आए थे ना, तो 3 से डिवाइड देना 13 आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है एरो लगा के बता दिया। ये 11 से विभाज्य वही वाला है ना कि ये और ये इसको जोड़ेंगे, ये और ये इसको जोड़ेंगे, इसका मान अगर बराबर 0 या 11 आ रहा है तो आप 11 का कोई भी गुणज आ रहा है 0 आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल है, तो पहले ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये 72,000 दे रखा है और ये डिग्री में दे रखा है, तो डिग्री टोटल होती है 360, 360 बराबर 72,000 के, एक डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो एक डिग्री की वैल्यू आएगी 200, वो बोला मनोरंजन और शिक्षा पर, तो 150 150 इंटू 200 30,000 आंसर, ठीक है। चलिए है ना बहुत सिंपल है ये वाला, आपके लिए होमवर्क है इसको करना, ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं है, इनका स्क्वायर रूट लेके और उड़ा देंगे तो बना आंसर आ जाएगा, ये भी होमवर्क है आपके लिए सिंपल है, ठीक है। ये 5900 को बांट देता है, फिर 300 इसको दे देता है, ये देखिए यहाँ पर LMN करके मैंने करा दिया पूरा इस तरीके से, ये जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टार्स प्रोजेक्ट में शामिल है, तो 6 टोटल राज्य हैं आपके, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र केरल है और उड़ीसा है, कर्नाटका नहीं है, तो कर्नाटक का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यूरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी, ओके। और ये बोला कि 2020 की जो नीति है उसमें शैक्षणिक ढांचे का कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है, तो जो माध्यमिक स्तर यानी कि जो सेकेंडरी आपका जो स्टेज है वो ग्रेड 9 से 12, ठीक है। और एक ये सर्वेक्षण कराया गया था NAS के द्वारा
तो ये काम सौंपा गया था एनसीईआरटी को, ठीक है। ओके, ये स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन चेन्नई में हुआ है ना, और किस राज्य में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग एंड पीजीआई के इंडेक्स में कौन टॉप पर है, तो महाराष्ट्र टॉप पर हो जाएगा। ओके, और स्माइलिंग बुद्धा किसका कोट था, तो ये था आपका, ये मैंने लगाया नहीं है, ये था आपका भारत का 1974 में पहला परमाणु बम परीक्षण का। ओके ठीक है, चलिए फिर 1998 में जो होता है उसका था अगेन बुद्धा स्माइलिंग, इस तरीके से ना बुद्ध फिर मुस्कुराए। ये एक संकल्प प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके लिए जो हेल्प ली गई है वो विश्व बैंक के लिए है, ठीक है। और ये डाउट में थोड़ा देख लेना इसको ना, इसका आंसर मैंने जो जितना सर्च किया वो प्राथमिक आ रहा है पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने पर। एकेडमिक पुरस्कार में जो अवार्ड मिला है मूवी को वो है ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। चलिए, ये तो मैं बोला था पद्म विभूषण आएंगे, पढ़ के आना, कोई भी अवार्ड होगा आना आना, तो पढ़ के आना था, तो बस जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में मिल गया है ना। ओफेलिया जो है ये यूरेनस का है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल म्यूजियम की जो थीम थी, मैंने बोला था डे एंड थीम आएगी, तो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एनईपी ये वाला मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, अब देखिए जो एम एस सुब्बालक्ष्मी, ये कर्नाटक संगीत से बढ़िया हिंदुस्तानी दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैली है कर्नाटक हिंदुस्तानी, ये सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है ना। चलिए, ये साइंस का मैंने छोड़ दिया, ये मैंने बोला साइंस का एक हाथ क्वेश्चन आ रहा है, एक हाथ तो एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है। और ये भी मैंने छोड़ दिया, ये मुझे नहीं आया, ठीक है। चलिए, और हाँ, ये किसको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2023, तो ये मिला है अलेक्जेंड्रा कोराब मुंडरुकू, है ना, क्या नाम है भाई। और इसकी स्टेट्स ऑफ टाइगर में वैसे इसका आंसर आ रहा है 75%, इन्होंने 70 दिया तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके चलिए, और ताप स्थायी थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होता है वो पीवीसी से बना होता है ना। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का वो हो गया अहमदाबाद हो जाएगा। ओके, और ये तो पता ही होगा आपको, आईपीएल किसने जीता। देखिए, ये पूछा गया था कि मतलब स्वतंत्र, सबसे पहले स्वतंत्र राज्य कौन सा हुआ, सबसे आखिरी में कौन सा हुआ, सबके मैंने ईयर लिख दिए, तो आपको दिख रहा होगा 1972, देन 87, देन 2000, तो चौथा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डाउट में हूँ क्योंकि इसमें भाई मुझे तो एक भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो आपातकाल निलंबित नहीं होता वो होता है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये आपका मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, ये कभी भी आपकी निलंबित नहीं होती। अब इसमें तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या करेंगे इसको, तो है ना, आर्टिकल 20 और 21, ये निलंबित नहीं होता, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कुछ भी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। पुल नहीं बना एक भी नदी पे, अमेजोन, है ना। न्याय द हैग, यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर है द हैग में, ठीक है। चलिए, और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सनातनता का प्रतीक था अपनी पूंछ में, मुंह में लिए एक अंगूठी के आकार में सांप, ठीक है। और ये कौन सा जन संगठन, जन सूचना का अधिकार, जन संबंधी जन आंदोलन जो चलाया गया था वो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, ठीक। फिर आपका इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश में मैंने बहुत कम लगाए हैं, जैसे मॉडेस्टी का होता है विनम्र, एरोगेंस का होता है घमंडी। ओके चलिए, इसका CABD मेरे को लग रहा था, आप बताइए क्या होगा इसका। बी डाउन विथ का होता है बींग ह्यूमिलेटेड, है ना। चलिए, मेलन चोरिक का होता है उसका मेलन चोरी, वाटर मेलन चोरी हो गया तो वो दुखी हो गया, दैट इज दुखी हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ पर दा पुअर आएगा। ओके चलिए, यहाँ पर इसका ये सेकंड हो जाएगा, है ना, वैसे मेरे हिसाब से सेकंड ही होगा, आप एक बार देख लेते, कोई कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर बॉन्ड्स होना चाहिए, बाकी मैंने लगाया नहीं है। पार्ट फोर आ गया हिंदी, हिंदी में तो सारे लगा दिए मैंने लगभग, है ना, तो ये तो बहुत ईजी था, पैसेज तो, है ना। चलिए, पैसेज तो इसी, अब मैं जो बता रहा हूँ ये एक बार में, ये माहिक नहीं हुआ, मासिक हुआ, ठीक है, मासिक हुआ। चलिए, सड़क नापना मतलब व्यर्थ में इधर उधर फालतू में सड़क नाप रहा, कुछ भी पत्नी का पर्यावरण चीज नहीं है, तो ये काम ही नहीं होता, ये स्त्री का होता है, स्त्री आपका सुबह पूछा गया था और अभी पत्नी का पूछ लिया, ये होता है, ये होता है और ये होता है, ठीक है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, ये कराया कि नहीं कराया बताओ, जगतनाथ, लो दिखा दूँ, लो मैं तो सारे दिखा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, वीडियो बना रहा, ये देखो व्यंजन संधि के नियम पढ़ा है, कहाँ गया व्यंजन संधि के नियम पढ़ा है ना आपको, ये देखिए पढ़ा है। अब देखिए इसमें जो दूसरा रूल मैंने कराया आपको, यहाँ से आ जाना भाई, ये देखो ये दूसरा रूल कराया, इसमें देखिए ये पहला ही ऑप्शन आपको जगन्नाथ के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका दिग्गज वाला भी, दिगंबर वाला भी अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो पहले ही दिखेगा आपको, देखिए जगन्नाथ आ गया, है ना। और पीपर पीपर पा तो सरिस मंडूला, दैट इज उपमा अलंकार। ओके चलिए, इसके बाद अशुद्ध वाक्य कौन सा, वे अभी अभी गाना गाए हैं, है ना, ये गलत हो जाएगा। वर्तनी की ये उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है, आप बल्ला तुझे बुलाया, यानी कि अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। तुलसी करत, ये मैंने कराया था ना,
तत्पुरुष समास होता है किसी के द्वारा रचित, किसी के द्वारा कुछ हो रहा हो, मतलब उसका तुलसी के द्वारा रचित, के द्वारा यानी कि इसमें के द्वारा वाला आपको वो लग गया ना, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष लग गया इसमें, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं तो दिगंबर, बाकी में सब में क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा विसर्ग संधि, बट यहाँ पर क्या है दिगंबर, दिगंबर में नहीं है। मैंने अभी दिखाया तो आपको, देखिए दिगंबर में क्या है, यहाँ देखिए दिगंबर में क्या है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये देखिए व्यंजन संधि के नियम, ठीक है, ये मैंने कराया था ना। चलिए यहाँ से देखिए, ये दुर्जन सज, दुर्जन का सज्जन होता है, नॉट सज्जन होता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे कंप्यूटर की बात करें तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है, जिसकी मदद से आपकी जो स्टाइल यहाँ चल रही है वो भी अगले पे भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, तरुण जी सेल एक नया स्मार्टफोन लेने की, तो स्मार्टफोन में क्या होता है, कैमरा पिक्सल, इंटरनल मेमोरी, ऑपरेटिंग इथरनेट पोर्ट तो उसमें होता है आपका, वीआईपी का प्रूफ मैंने कराई थी, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, ये एक्सटेंशन सारे कराए थे, सारे कराए थे भाई, पीडीएफ तो बताई थे, डॉट पीडीएफ का होता है, बाकी वीडियो के तो ये हो जाएंगे आपके ना। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कल ही पूरा टॉपिक कराया था जब लाइव लिया था, और वैसे भी बताया था आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये भी मैंने करा रखा है। पहला सुपर कंप्यूटर बताता था परम 8000 था, ठीक है, सीडेक के द्वारा इतनी बार क्वेश्चन रिपीट कराया है ना, और आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं था, इसमें 0 से लेकर 255 तक कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें 256 कहाँ से आ गया, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड आती है तो कौन से विजुअल इफेक्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन, ओके। कॉपी के लिए कौन सी की है, कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल सी की, तो सबको मालूम है, टीसीपी का ये भी करा रखा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। एक इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है तो डॉट वीवी, इसका होता है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल, और टिफ ये मैं करा चुका हूँ, जेपीजी करा चुका हूँ, पीएनजी करा चुका हूँ, सारे करा चुका हूँ आपको, है ना, टैग टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ओके। और ये भी बताया था मैंने, स्विच का यूज़ किया था, 24 कंप्यूटर को जुड़ना है तो लैन से जुड़ेंगे, और लैन में क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो, ठीक है। और हाई क्वालिटी वीडियो के लिए एचडीएमआई पोर्ट आता है, ये भी करा रखा मैंने, आरडीएमएस कल ही कराया था, आरडीएमएस का उदाहरण नहीं है तो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, आईबीएम डीएस डीबी2 है, ओरेकल भी है आपका, किसका, आरडीएमएस का है, एमएस एक्सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये कल ही, कल भी कराया तो पहले भी कराया यार। एस का नहीं बताया क्या मैंने, एस का, एस का फुल फॉर्म नहीं बताया, सिक्योर होता है, क्या होता है, सिक्योर, ठीक है। इसके बाद ये दर्ज नहीं कराया सकता, साइबर अपराध, भाई किसी शोरूम से चुराने जा रहे हो तुम फिजिकली वहाँ जा रहे हो, यहाँ पे ऑनलाइन धड़ाधड़ी का हो रही है, किसी शोरूम से जाकर उसके अड्डे चुरा लाया, कुछ ही मतलब। एम एस एक्सेल में सेल रेंज के बारे में मिलते में से कौन सा सही, ये भी मैंने बताया था कि जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी सेल्स को, उसको बोलते हैं सेल रेंज, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक की वो सेल रेंज आ रही है, सेलेक्ट कलेक्शन ऑफ चूजन सेल, है ना। और एम एस पावर पॉइंट का ये नहीं बताया था कि मैंने, ये बताओ, ये नहीं बताया था, ये भी बोला था कि दो तरीके के होते हैं, एक पीपीटी होता है और एक होता है आपका पीपीटी एक्स, ये भी बताया था, ये 2013 के बाद के होते हैं, कितनी बार बता दिया यार, है ना। ये देखो, ये भी बताया था कि आपको एक प्रेजेंटेशन जब भी वर्ड दिखेगा, मैंने एक ही बार बोली प्रेजेंटेशन दिखेगा, पावर पॉइंट थोक देना, ठीक है, बीपीएस का ये भी करा रखा है, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने तुम्हें ब्राउजर में नहीं पढ़ाया, ब्राउजर में नहीं पढ़ाया, ब्राउजर लाइनक्स एमएस ये सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, सब करा रखा है भाई, ठीक है। ये नहीं कराया तुमको एंटीवायरस, और बोला ये तो सुबह वाला रिपीट कर देता है, ये रिपीट है, सुबह भी रिपीट हुआ, अभी रिपीट कर दिया, ये भी रिपीट है पूरा, है ना, प्लॉटर मोटर कितनी बार कराया, ये तो दिन में भी मैंने करा दिया था, फिर अपनी उसकी क्लास में, ठीक है, रिपीट करा दिया था, है ना, सबसे बड़ी मेमोरी ये तो पता ही होगा कितनी बार हटा चुका हूँ आपको, है ना। और इसमें बोल रहा है कि आपको पेज सेटिंग फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग की विशेषता वाले डॉक्यूमेंट रिपोर्ट बनानी है तो एमएस वर्ड में, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया थे आपको एनबीएस के क्वेश्चन, जिसमें लिखा था जॉन को अपनी थीसिस लगनी है किसका यूज करेगा, उसी तरीके से मैंने बोला, उसी तरीके से लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में, सेम डिट टू क्वेश्चन आपको उठा के दे दी उस तरीके से, ठीक है। ईमेल एड्रेस के बारे में नहीं पता क्या बात नहीं, तो स्पेस नहीं होता ईमेल एड्रेस में, ठीक है। चलिए, सीपीयू जो तो सिंपल है यार, है ना, एचटीटीपी सिंपल है, स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको एक सेशन लिया था उसमें बताया था कि स्टार टोपोलॉजी होती है आपकी, बस टोपोलॉजी होती है, ये मैंने आपको एक सेशन में करके बताया था, ठीक है। तो यहाँ 130 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो दोस्तों ये पीडीएफ है ना, मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, पूरी सॉल्यूशन है लगभग, है ना, लगभग शायद 100+ क्वेश्चन के मैंने आंसर टिक कर दिए, जो कि सही सही है, दो तीन क्वेश्चन का आप देख लेना अगर ऊपर नीचे हो जाए तो, बाकी इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कितने आ रहे हैं जो, हाँ, और जो मैंने बताया ना, ये चीज़ जरूर करना, यहाँ पर जाकर पोल जरूर कर देना कम्युनिटी टैब में जाकर, ओके। और ये टेलीग्राम पर भी मैंने देखिए पोल वगैरह कंडक्ट करा रखे हैं, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लेना इसको ना, और इस तरीके से आप पोल कर लेना, ठीक है। बात कर रहे हैं दोस्तों इसके रिजल्ट की, रिजल्ट वगैरह की, कि इसका रिजल्ट कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं आपको कल सुबह इसकी वीडियो दे दूंगा कि कब तक रिजल्ट आएगा, आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, और आपका जो
कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।